ओंकारपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय जो हमारा है वो है वृश्चिक राशि वालों के लिए संवत 2081 क्या सूचना लेके आया है, क्या खबरें लेके आया है, किस प्रकार का ग्रहों का योगा योग है। जी हाँ, यदि उन भावों को आप समझ लें तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत सुंदर, जी हाँ बहुत सुंदर योग लेके आया है। संवत 2081 जिसका नाम इस बार जो है वो कालयुक्त है, नाम कालयुक्त है, भयावह है, जी हाँ, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा सुंदर योग लेके आया है। पिछले 2 साल के कष्टों को ठीक करने के लिए ये बृहस्पति महाराज का उदय होने का काल है और ऐसे में बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए बहुत सुंदर योग है। कारण और भी है, इस वर्ष का राजा जो है वो मंगल है और आपकी राशि के स्वामी मंगल ही हैं। जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा, तो जब राजा है ना तो सारे प्रजा उनके अधीन हो जाती है और समस्त लोग जो है राजा को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। तो जी हाँ, ग्रहों की युति बड़ी सुंदर तरीके से बनी हुई है। आमतौर पर लोग नव वर्ष को मान लेते हैं कि 1 जनवरी से नव वर्ष हुआ उस वक्त वर्ष मान लीजिए, लेकिन भारतीय कालगणना ज्योतिष जो है वो विशेष तौर पर संवत के अनुसार चलती है। संवत के अनुसार से हम समझने का प्रयास करते हैं कौन से ग्रह राजा रहेंगे, कौन से ग्रह मंत्री रहेंगे, कौन से ग्रह कोषाध्यक्ष रहेंगे, कौन से ग्रह जो है जल के स्वामी, कौन से भूमि के स्वामी, किस किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति रहेगी, कहाँ किस ग्रह से कौन सा लाभ होने के योग पर है, किस दिशा प्राप्त होने के योग में, ये ज्योतिष की कालगणना ही बताती है। और नव संवत जो है वही वास्तविक तौर पर महाराज विक्रमादित्य का संवत जो है इस बार 2081 जो आरंभ हो रहा है वो हो रहा है 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को मंगलवार है, इसलिए राजा हुए मंगल इस जो वर्ष के राजा है। और इस वर्ष जो मंगल जो नव संवत का वास है वो वास है वैश्य के घर में। धन संपदा व्यापार इन सब के लिए वर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत सुंदर रहने वाला है। वैसे ग्रह का योग जो है वो अच्छा नहीं है। क्यों? कारण क्या है कि विश्व के दृष्टिकोण से तो बड़ा भयावह स्थिति रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए हम बात हटाएं तो विश्व के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न करने का यह संवत सूचना देता है, अशांति का वातावरण आता है। कारण है उसका समझ लीजिए। कारण यह है कि इस बार जो राजा है वो मंगल है, मंत्री जो है वो है शनि महाराज। और जब संवत आरंभ हो रहा है 9 अप्रैल के समय, यदि कालगणना के अनुसार जन्मपत्री बनाई जाए तो मंगल शनि की युति चल रही है उस वर्ष में संवत में, सूर्य शनि की, सूर्य और राहु की युति चल रही है और ये दोनों प्रलयंकारी अनहोनी के योग बनाते हैं, अशुभ योग बनाते हैं। पूरे वर्ष सूर्य मंगल मंगल और शनि की जो परस्पर विरोधी स्थिति रहेगी राजा और मंत्री होने के कारण से, तो विचार में भिन्नता होती दिखाई दे रही है। और विचार भिन्नता के कारण से समझे एक क्रूर ग्रह एक पाप ग्रह है और दोनों की परस्पर विरोधी स्थिति है, आपके दोनों स्वभाव परिवर्तित हैं दोनों के, और ऐसे में दोनों की क्लैश होने के योग दिखाई देते हैं। और यही आप समझें ज्योतिष दृष्टि पूरे विश्व में भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। चाहे वो रूस की बात करें, चाहे वो अमेरिका की बात करें, इसराइल की बात करें, ईरान की बात करें, यूक्रेन की स्थिति बात करें, पूरे विश्व में भयावह स्थिति। भारत में इस समय ये स्थिति बनी हुई है इलेक्शन की, और देखें क्या उठा पटक के नित्य प्रति स्थिति चल रही है। विस्फोटक योग, अनहोनी के योग साफ साफ दिखाते हैं। प्राकृति में भी कुछ ना कुछ उठा पटक के योग दिखाई देंगे आपको। लेकिन हम बात करें आपकी, जी हाँ आपकी, वृश्चिक वालों के लिए तो वारे न्यारे के योग हैं। जी हाँ, वारे न्यारों के योग हैं। एक ही ग्रह आप समझे तो अगर आप समझने का प्रयास करें अपने राशियों के हिसाब से दृष्टिकोण से, तो शनि महाराज जो है वो स्वग्रही होकर आपके केंद्र में बैठे हैं, धन का स्वामी, ये विशेषतर समझे जमीन जायदाद सुख सब कुछ देने के योग बनाएंगे। बृहस्पति लगातार पिछले 2 सालों से शनि के दृष्ट में चल रहे थे, कभी राहु के दृष्ट में चल रहे तो काम कर ही नहीं पा रहे थे। अब वो सप्तम भाव लग्न को देखने के लिए 2 मई को आ जाएंगे, उसके बाद थोड़े दिन अस्त रहेंगे। लेकिन चिंता ना करें, पूरे वर्ष इन तीनों ग्रहों की स्थिति समझें कि राहु की और साथ में मंगल की और साथ इसकी राहु की, बृहस्पति की और शनि की स्थिति समझें, तो ये वहीं इन्हीं भावों में रहने वाले, बदलने वाले हैं नहीं कहीं। हाँ, वक्री मार्गी अस्त उदय होते रहते हैं, वो सब चीज़ समझते रहे, उनके प्रभाव भी हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। सबसे बढ़िया सुंदर युति जो है, जो बृहस्पति कार्य नहीं कर पा रहे थे, वो नया जीवन, नई शक्ति, नई विचार, सब कुछ नया व्यापार आपकी राशि के अनुसार से आपको देने के योग बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, मंगल शनि का टकराव है, कुछ ना कुछ आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ विपदाएं भी साथ साथ आने के योग हैं। सब ठीक करेंगे बृहस्पति, लेकिन कुछ ना कुछ विपदाएं भी लगातार आने के योग बनते रहेंगे। लेकिन लाभ होगा, धन आएगा, सुख आएगा, धीरे धीरे आएगा, ये साफ साफ निश्चित तौर पर मान लीजिए ग्रहों की युति इस प्रकार साफ साफ इंगित करने का प्रयास करती है।
जैसा हमने आपको कालगणना के अनुसार से बताया, बृहस्पति का अस्त जो उदय होना है वो बृहस्पति का परिवर्तन होना 1 मई से होना है, पूरे वर्ष यहाँ रहेगा। बीच में बृहस्पति अस्त भी होंगे 7 मई के आसपास से 2 जून के लिए, फिर वक्री भी होंगे 9 अक्टूबर से लेकर करीब करीब 4 फरवरी तक। लेकिन कोई प्रभाव चिंता ना कीजिएगा, थोड़े बहुत उपाय समय पर बताएंगे हम, उसके अनुसार से वो करते रहेगा। लेकिन ओवरऑल चरमपत्री को समझते हुए, ग्रहों को समझते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से स्थितियों को ठीक करने वाला रहेगा, लाभ की स्थिति उत्पन्न करने वाला रहेगा। ऐसे में ग्रहों को स्थिति को समझते हुए यदि कार्य कर लेंगे तो बहुत सुंदर स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। हाँ, विश्व के दृष्टिकोण से समस्याएँ बहुत भयावह रहेंगी, अशांति का वातावरण, हर रोज़ नई नई सूचनाएँ, नई नई खबरें, नए नए जो टीवी चैनल्स पे हम ड्रामे देखते हैं वो सब हमको लगातार देखने का स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। तो ऐसे में आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, स्थितियों को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, और उन सबको समझते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ नित्य प्रति बहुत सारे कार्यक्रम, यज्ञ का हर रोज़ 8 घंटे यज्ञ चलता है आश्रम पर। विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार में, बहुत बड़ा लक्ष्मीनगर क्षेत्र में आश्रम है, जो 50 सालों से आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने का प्रयास कर रहा है, योग के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव दीज महाराज ने 1960 के दशक में इस आश्रम की स्थापना करी, और यहाँ भगवती का बहुत सुंदर शिव विग्रह 1947 मुल्तान से आकर यहाँ शिव विग्रह विराजित है। आप भी आ सकते हैं उनका दर्शन करने के लिए, 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है, और वहाँ उनके सानिध्य में नित्यपति आश्रम पे आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार को सामूहिक तौर पे सब लोग सादर आमंत्रित रहते हैं, और उस यज्ञ में बड़े बड़े बहुत सारे समय समय पर कार्यक्रम भी चलते रहते हैं आश्रम पे, और हर मंगलवार को सुंदरकांड का सुंदर पाठ किया जाता है। आप भी सम्मिलित तौर पर उन सब कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। भारतीय संस्कृति के ऊपर, योग विज्ञान के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर आश्रम के द्वारा करीब करीब 50 से ऊपर किताबें, पुस्तकें हमने प्रकाशित करने का प्रयास किया है, और उन सब पुस्तकों के माध्यम से हमने भारतीय पराविद्याओं के संबंध में अद्भुत जानकारी देने का प्रयास किया है। आप सब उनको अध्ययन कर सकते हैं। मुद्राओं के क्षेत्र में तो इतना ज़बरदस्त कार्य हमारे पूरा विश्व में जो पहुँचाया गया है कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। सपोज़ किसी के कान में दर्द है, ये शून्य मुद्रा पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर यहाँ बीच में लगा दीजिए, 3 मिनट में कान के दर्द से निजात दिलाने का सुंदर योग बना सकती है। यदि किसी को हार्ट की समस्या है तो ये मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अद्भुत खोज है, मृत संजीवनी मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर या बीच में, और बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ लगा देने से चमत्कारी मृत संजीवनी मुद्रा बन जाती है। ये अद्भुत है, within 3 seconds दिस मुद्रा इज कैपेबल ऑफ गिविंग द फर्स्ट एड टू द हार्ट पेशेंट। और अगर कोई पेशेंट है और लगातार इस मुद्रा का करे हार्ट डिसीज, तो आप माने धीरे धीरे हार्ट साउंड हो जाता है, और हृदयघात इस वक्त पूरे विश्व में बड़ी बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इस संबंध में भी बहुत सारी करीब करीब जो हमने पुस्तकें बताई आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के ऊपर पूरा हॉस्पिटल संस्थान में बनाया गया है, 100 बेड का हॉस्पिटल है, कार्य कर रहा है, भारत सरकार के पैनल पर है, और बहुत सारी अद्भुत बीमारियों, बहुत विचित्र बीमारियों के लिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज के लिए, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो शुगर है, उन सब के ऊपर भी हमारे आश्रम पे सुंदर तरीके से इस हॉस्पिटल के द्वारा कार्य किया जाता है। विवेकानंद नेचर क्योर हॉस्पिटल योग आश्रम के नाम से ये संस्थान रजिस्टर्ड है, और आप सब उसमें सुविधा ले सकते हैं। गौशाला का, गौ सेवा का बहुत सुंदर कार्य किया जाता है। भंडारे इत्यादि का समय नित्य प्रति चलते ही रहते हैं भंडारे, तो आप सब भी हमारे इस आश्रम से जुड़े। और जन्मपत्री के संबंध में हमारा जो एक अद्भुत अध्ययन इस प्रकार से है कि आमतौर पर जन्मपत्री जो लोग देखते हैं उनका सिंपल एक बड़ा व्यवसाय हो गया है, नक बेच दो, यंत्र बेच दो, कुछ और बेच दो, यानी बेचने वाला काम। ज्योतिष वास्तविक तौर पर कोई चीज़ बेचने, आपके शरीर के अंदर सब कुछ है, जैसे आपका शनि खराब है तो जरूरत ही नहीं कुछ नग पहनने की, केवल ये मुद्रा का अभ्यास करके आप मुद्रा हाथों के द्वारा बिना किसी खर्च करे हुए आप उपायों को कर आप अपनी समस्याएं ठीक कर सकते हैं। जैसे किसी की शनि खराब चल रहे हैं तो यदि पहली उंगली, बीच वाली उंगली शनि की उंगली होती है आमतौर पर जानते होंगे, इसी के द्वारा यदि घटा बढ़ाकर कौन से ग्रह का कौन सा उपचार करना है वो आप कर सकते हैं। हम समय समय पर हम कई बार बताते भी हैं ज्योतिष के अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से। तो हमारा संस्थान अद्भुत रूप से भारतीय पराविद्याओं के संबंध में अद्भुत कार्य कर रहा है। आशा करते हैं आप आश्रम से जुड़ेंगे। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जन्मपत्री का विश्लेषण सही से करने की आवश्यकता है। हम जो यहाँ पर आपको बताते हैं वो जनरल प्रेडिक्शन राशि के अनुसार से, लग्न के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री क्या है, क्या योग लेकर आप पैदा हुए हैं। एक ही समय में बहुत लोग पैदा हो रहे हैं, लेकिन क्षण क्षण मात्र पे वो परिवर्तन होता है, और उन परिवर्तनों को अच्छे से अध्ययन करके ये जन्मपत्री को समझने का प्रयास किया जाए तो बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप जुड़े हमारे संस्थान से, विवेकानंद आश्रम से, आपको लाभ होगा, जीवन परिवर्तन के योग बनेंगे। धन्यवाद।